देखिए कि भारत में 1943 से लेकर हम 2013 या 2019 तक जाने का प्रयास करेंगे क्रमिक रूप से ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इसको भी समझेंगे, विस्तार से समझेंगे क्रमिक रूप से कि भारत में पीडीएस सिस्टम या जिसे हम राशनिंग सिस्टम बोलते हैं, राशन सिस्टम बोलते हैं, या लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जो प्रणाली है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। आप देखिए कि भारत में जो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है उसके अंतर्गत खाद्य उपभोक्ता वितरण खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए विभाग और मंत्रालय जिम्मेदार है। तो भारत का जो पीडीएस सिस्टम है वो पूरा जो संचालित होता है वो एक मंत्रालय है, एक मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। उस मंत्रालय का नाम है, भारत में जो खाद्य सुरक्षा का जो संचालन करता है जिसके अंतर्गत होता है उस मंत्रालय को बोलते हैं उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ये मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसके अधीन विभाग है, उस विभाग का नाम है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। जो भारत में खाद्यान्न जो पीडीएस सिस्टम या राशन सिस्टम का जो वितरण होता है जो उस मंत्रालय के अधीन होता है उस मंत्रालय का नाम है, भारत सरकार के अधीन है, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। और उस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है, डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ये दोनों है नोडल विभाग है और नोडल एक तरीके से मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत भारत में पूरी तरीके से खाद्य सुरक्षा का तंत्र जो है संचालित होता है और इसे हमें विस्तार समझने की आवश्यकता है। और ये जैसे अब ये नहीं कि सब स्कीमों को खाद्य उपभोक्ता मामले सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ही चला रहा है, इसमें से कुछ जैसे मिड डे मील स्कीम है, इसे भारत सरकार का जो एजुकेशन मंत्रालय है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो इसको संचालित कर रहा है, इसको जो है सार्वजनिक खाद्य वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित नहीं किया जाता है। अब जैसे भारत में 1975 में जो इंटीग्रेटेड चार्ट डेवलपमेंट स्कीम है, सर्विसेज जो चलाई गई थी उसे जो है भारत सरकार का उपभोक्ता सार्वजनिक मंत्रालय नहीं चला रहा, इसको भारत का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इसके माध्यम से बड़े स्तर पर भारत में आंगनबाड़ियों का विस्तार किया गया, आंगनबाड़ियों का विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को जो है पुष्टिहार उपलब्ध कराया जाता है। तो हम विस्तार से समझेंगे, देखते हैं अब इस विस्तार से भारत में किस प्रकार राशन सिस्टम या फिर जो है पीडीएस सिस्टम का विकास हुआ, ये खाद्य सुरक्षा को जो विकास